दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी को चैलेंज, बैलेट पेपर से करा ले चुनाव, पता चल जाएगा कितनी सीटें आएगी। कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मंगलवार की शाम पूर्व सीएम दिग्विजय शिवपुरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह पीएम नरेंद्र मोदी पर चुनाव को लेकर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव कराने का चैलेंज तक कर दिया। वही कार्यक्रम में कमलनाथ को लेकर भी मुद्दा गरमाया रहा, जिसे दिग्विजय सिंह एक सिरे से खारिज कर दिया। बता दें कि कार्यक्रम में लगे बैनर पर कमलनाथ का फोटो ऊपर से चिपकाया गया था। संकेत, ये न्याय यात्रा है, आ जाओ मैदान में। डरवन, जो डरे उसने कहना कि हमारी सरकार आ जाए, उसके बाद तू आ जाना। लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, जेल भेजोगे चले जाए। साथियों, ये स्वागत कोई फूलमालाओं का स्वागत नहीं है, ये इंकलाब जिंदाबाद के नारे का हमारा स्वागत होगा। सारे लोग आएंगे, डट कर आएंगे, नौजवानों के लोग आएंगे। तुम्हारा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ। और एनएसयूआई का अध्यक्ष कौन है? दोनों लगो, जितने ज्यादा युवाओं को ला सको। हमारी लोधी बहन कहाँ है? ये शाबाश, जितनी महिलाओं को, महिला कांग्रेस और बहन को, सब लोग आओ सामने हिम्मत के साथ। आज ये माहौल में हमें लड़ाई लड़नी। अब हमें आपसे अनुरोध है कि आप सब लोग अच्छा स्वागत स्वागत तो ठीक है, जो हरिवल्लभ जी ने कहा मैं सहमत हूँ। यहाँ के जो कांग्रेस के अपने अच्छे वर्कर हैं, उनका कहीं ना कहीं से उनकी मुलाकात होती रहना चाहिए। मुझे जो बताया गया है उसमें जो चुने हुए कुछ लोग होंगे उनसे उनकी बस में बिठा के कुछ बातचीत हो जाएगी, ऐसा मुझे बताया गया है। इसका और डिटेल तो पता पड़ जाएगा। जीतू पटवारी जी आ रहे हैं आपके यहाँ, शायद 24 को आ रहे हैं, उनसे पता लग जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अच्छे लोगों को उसमें उनको। और दूसरा ये है कि यहाँ किसान है, मजदूर है, और शिवपुरी का एक आध कोई ऐसा बिंदु है जिसके बारे में आप राहुल गांधी जी को ब्रीफ करना चाहते हैं, तो आप उनका एक नोट बनाकर भिजवा दीजिए, ताकि उनका डेलीगेशन को हम लोग मिलवा सकें। रोज एक या दो डेलीगेशन से, मिल लें। आखिरी में चुनौती हमारे सामने है, गुना लोकसभा, ग्वालियर लोकसभा। अब सबसे चर्चा सबके सामने तो होना उचित नहीं है। मैं एक डेढ़ घंटा आप सबसे अलग अलग मैदान में बैठ खड़े होकर बातचीत कर लूंगा। आपको जो सुझाव देना है दे दीजिए, मैं आपका सुझाव ईमानदारी से हमारे अध्यक्ष जी को बता दूंगा। लड़ना है, दमखम के साथ लड़ना है, और हमारी लड़ाई विचारधारा की है, देश के हित में है। क्योंकि इस देश में धीरे धीरे आप देख रहे हो, गरीब गरीब होता जा रहा है, मजदूर बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। मैं जहाँ जाता हूँ, मेरे पास पढ़े लिखे लड़कों की सिफारिश आती, हमें नौकरी दिलवा दो। अब भाई 80 से मैं मंत्री पद मुझे मिला, संबंध रहे लोगों के साथ, तो नौकरी दिलवाता रहा, जो भी आया मैं करता रहा। लेकिन सरकार देश में भी नहीं है और प्रदेश में भी नहीं है, और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नौकरियां कम हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़े लिखे बेरोजगार संख्या बढ़ती जा रही है, आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है।